अमेठी के आंगन में कमल खिलाने के लिए ये बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रचंड गर्मी और दहकते सूरज का भी जरा भी परवाह नहीं। अमेठी सीट से नामांकन दाखिल करने स्मृति ईरानी का काफिला आगे बढ़ रहा है। खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी सिर पर कपड़ा रखे स्मृति ईरानी के साथ मौजूद हैं। बीजेपी की इस फायर ब्रांड नेता ने अमेठी से पर्चा भरकर राहुल गांधी को उन्हीं के गढ़ में घेरने की तैयारी कर ली है। नामांकन से पहले ईरानी परिवार ने भगवान को याद किया, क्योंकि अमेठी के अग्निपथ को पार करना आसान नहीं है। राहुल गांधी जी ने जब दूसरे लोकसभा क्षेत्र से पर्चा भरा, उन्होंने अपनी अमेठी से हार के घोषणा तली कर दी। वो दो लोकसभा क्षेत्रों से पर्चा भर रहे हैं कि उनको हार दिख गई, इसलिए वो मेरे नामांकन पे आज मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जब मेरी पार्टी ने मेरे नाम की घोषणा की, तत्पश्चात उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया, वही संकेत। पूजा पाठ के बाद अमेठी की सड़कों पर स्मृति ईरानी का काफिला निकला तो नेतृत्व की भूमिका में भी योगी आदित्यनाथ ही दिखे। सीएम योगी के लिए भी अमेठी नाक का सवाल बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फूल बरसा के, स्मृति ईरानी फूल बरसा के कार्यकर्ताओं को और अमेठी की जनता का धन्यवाद करने वाली है, कर रही है कि एक बार उनको मौका दे अमेठी की जनता जीतकर संसद के अंदर पहुंचे। देखिए, हाथ जोड़कर स्मृति ईरानी का जो कह सकते हैं सभ्य तरीका, हाथ जोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ उनके साथ, उनके पति जुबिन ईरानी उनके साथ में है। ये कारवा आपने इससे पहले बीजेपी का कभी अमेठी में नहीं देखा होगा। यूपी में 2014 जैसी तूफानी जीत दोहराने की बड़ी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर है। वे बराबर यहाँ हारने के बावजूद भी 5 वर्ष तक उन्होंने यहाँ पर संघर्ष किया, कार्य किया, विकास की योजनाओं को यहाँ पे लेकर के यहाँ की समस्याओं का समाधान किया। आज उसका लाभ इस समर्थन के रूप में भारतीय जनता योगी जी, इस बार वो जो है वायनाड भी चले गए हैं, हार दिखी है क्या राहुल गांधी को? देखिए, ये पलायन इसी का परिणाम है। श्री राहुल गांधी जी जानते हैं कि अमेठी की जनता के साथ वे न्याय नहीं कर पाए। अमेठी हाथ में आ गया तो बीजेपी के लिए ये बड़ी जीत होगी, क्योंकि अमेठी एक सीट नहीं, कांग्रेस की साख है। गांधी परिवार के लिए अमेठी पारंपरिक सीट रही है। ऐसे में बीजेपी ने 2014 में हार के बाद भी अमेठी की सियासी जमीन में खाद पानी मिलाने का काम लगातार जारी रखा। स्मृति ईरानी हार के बाद भी लगातार अमेठी के लोगों के दिल में जगह बनाने में जुटी रही और अब फिर से राहुल को हराने के इरादे से अखाड़े में आ गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेठी गांधी नेहरू परिवार की उम्मीदों को झटका देने के लिए तैयार होगी? मोदी को सीधी चुनौती देने वाले राहुल गांधी को क्या अमेठी से निराशा मिलेगी? एंड आई एम रेडी फॉर ओपन डिबेट, ओपन डिबेट विद द प्राइम मिनिस्टर व्हेयर एवर ही वांट्स। जो भी हो, अमेठी की जंग दिलचस्प और कांटे की हो गई है और अब अमेठी के लोग हिसाब लगा रहे हैं कि वोट कहां डालना है।